हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन आगे बढ़ते हुए आज जिस टॉपिक को अपन छू रहे हैं वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण पे ये पहला ई लेक्चर है। तो इसमें अपन जो बात करेंगे औद्योगिकरण के अंदर, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि औद्योगिकरण है क्या, उसकी टाइमलाइन क्या है। फिर अपन बात करेंगे ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण प्रथम क्यों आया, यानी ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत क्यों हुई, बाकी देशों में औद्योगिकरण बाद में आया, ब्रिटेन में पहले आया, इसका कारण क्या है, आर्थिक कारण होंगे, फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण होंगे, सामाजिक कारण होंगे, धार्मिक कारण भी थे जिसके कारण औद्योगिकरण आसानी से ब्रिटेन में पहले आ सका। फिर औद्योगिकरण की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है, औद्योगिकरण के अंतर्गत होता क्या है, फिर प्रभाव के बारे में बात करेंगे, औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद खासकर आईएएस और आरएस एग्जाम में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें दे रखा है कि जापान में औद्योगिकरण किस प्रकार का था, तो कई राष्ट्रों को चिन्हित कर रखा है कि वहां पे औद्योगिकरण की क्या भूमिका रही, किस प्रकार से औद्योगिकरण की प्रक्रिया वहां पे शुरू हुई। तो इसके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं अगर अपन को समय मिलता है, कि जापान में किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ, जापान के बाद अगला राष्ट्र है रशिया, रूस में किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ, जर्मनी में किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर अपन बात करेंगे यूएसए में किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ, अमेरिका में किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला सब टॉपिक उठाते हैं अपन औद्योगिकरण के अंतर्गत कि औद्योगिकरण है क्या। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बाय पावर ड्रिवन मशीनरी। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, जो हथकरघा उद्योग था, हथकरघा उद्योग अपन कैसे कहते हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन पर हाथ के माध्यम से करते हैं, हाथ से कार्य करते हुए अपन जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे मैट हो गई, चटाई हो गई या मटका हो गया, जिसका उत्पादन अपन कैसे करते हैं, हाथ के माध्यम से। वह उद्योग जिनमें हाथ का इस्तेमाल होता था उनको रिप्लेस कर दिया गया, अब मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया बड़े स्केल पे, बड़े स्तर पे। तो इससे कोई कुल मिला के औद्योगिकरण कहा जाता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी जो हथकरघा उद्योग था उसके बजाय अब मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया। अब अपन टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है औद्योगिकरण में। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, और कब शुरुआत हुई, 1760s यानी 1760 के दशक के अंदर ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद अगला राष्ट्र जहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ा वो था बेल्जियम, यूरोप में एक राष्ट्र है बेल्जियम, यहाँ पे 19वीं शताब्दी के अंदर औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। अब 19वीं शताब्दी का क्या मतलब है, अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं 19th century या 19वीं शताब्दी या 19 AD, अक्सर किताबों में 19 AD भी लिखा होता है। तो 19th century का क्या मतलब है, 1801 से लेके, इसमें कौन सा समय काल आएगा, 1801 से लेके 1899, तो ये 19वीं शताब्दी हुई। अगर अपन बात करेंगे 1901 से लेके 1999 तो ये होगा 20वीं शताब्दी। तो यही चीज आपके लिए समझने की, कई बार स्टूडेंट हैं गलत आंसर लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन में 17वीं शताब्दी दी होती है, 17वीं शताब्दी का क्या मतलब होगा, 1601 से लेके 1699, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं 18वीं शताब्दी के हिसाब से लिख के आ जाते हैं। तो ये आपके लिए समझने के लिए आवश्यक है। फिर नेपोलियन के समय में फ्रांस के अंदर 1850 के आसपास औद्योगिकरण हुआ, नेपोलियन के राज में 1850 के, देखो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ है 1760, बाकी जगह पे इसके पश्चात हुआ है। फिर अपन बात करते हैं जर्मनी, जर्मनी में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई जॉल वेरिन जो कस्टम यूनियन थी, जो एक आर्थिक संघ था जिसको जर्मनी के एकीकरण हेतु बहुत पहले बनाया गया था, तो 1819 में इसका निर्माण किया गया। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया कस्टम्स यूनियन जो आर्थिक संघ बना था, जॉल वेरिन JOLLVERIN जॉल वेरिन नामक संस्था के साथ, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जर्मनी के एकीकरण में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में औद्योगिकरण कब शुरुआत हुई, 1820 के बाद औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, लेकिन वास्तव में औद्योगिकरण की प्रगति हुई है यूएसए में 1870 यानी अमेरिकन सिविल वॉर के पश्चात औद्योगिकरण की वास्तविक प्रगति हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत यूएसए में 1820 में ही हो गई थी। अमेरिकन सिविल वॉर यहाँ पे क्या है, अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था जो अपने बीए के सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसके पश्चात वास्तव में प्रगति हुई है औद्योगिकरण की। जापान में 1870 के अंदर
औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, रशिया में 1890 में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, लेकिन वास्तविक प्रगति 1921 के बाद हुई। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है औद्योगिकरण के अंदर, जो सब टॉपिक है कि जो औद्योगिकरण है उसकी शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई, क्योंकि ब्रिटेन की कुछ विशेष तत्कालीन परिस्थितियां थी जिसके कारण वहीं पे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। अन्य किसी देश में उसमें औद्योगिकरण का नामो निशान नहीं था, तभी ब्रिटेन ने फर्स्ट लीड ली थी औद्योगिकरण के अंतर्गत, यानी ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कमर इन केस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसका ब्रिटेन को फायदा भी मिला, जो ब्रिटेन की कॉलोनी है उसका भी विस्तार हुआ औद्योगिकरण के कारण, ब्रिटेन एक ताकतवर भी बना। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारण कौन से विशेष आर्थिक कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण हुआ। देखो औद्योगिकरण से पहले यानी औद्योगिक क्रांति से पहले ब्रिटेन में कृषि की क्रांति भी थी, जिसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहा जाता है। पहले कृषि की क्रांति हुई, उसके पश्चात औद्योगिक क्रांति हुई। कृषि की क्रांति हुई इसी कारण ही आने वाले समय में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो सकी। तो जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था उसके तहत क्या हुआ, खूब सारा कच्चा सामान है उसका उत्पादन किया गया, रॉ मटेरियल वाज प्रोड्यूस्ड एट ए वेरी लार्ज स्केल। फिर लेबर फ्रीड फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि जब कृषि का रेवोल्यूशन हो गया, खूब सारा कच्चे माल का उत्पादन हो सका ब्रिटेन में, तो खूब सारा जो लेबर है वो कृषि से मुक्त होके, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर में ऑलरेडी, तो खूब सारा लेबर जो मजदूर है वो कृषि से फ्री होके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए प्रयोग में लाए जा सके। यानी जब कहने का मतलब ये, जब कृषि अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गई, सैचुरेशन लेवल अपन किसे कहते हैं, अपने परिपक्व स्तर पे पहुंच गई कृषि, कृषि में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया, तो उसके पश्चात जो लेबर थे उनके लिए इतना काम कृषि में बचा नहीं, तो जो कृषक है जो मजदूर है वो धीरे धीरे खेती को छोड़ते हुए उद्योग धंधों में कार्य करने लग गए, और औद्योगिकरण के लिए भी बड़ी संख्या में मजदूर कृषि से पलायन करके उद्योगों में चले गए, क्योंकि अपने सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका था एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद स्कोप किसका था, उद्योगों का। फिर अपन आगे बात करते हैं कि दूसरा आर्थिक कारण क्यों है जिसके तहत ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ। अगला कारण है कमर्शियल रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन का देखो, एक तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो गया यानी कृषि की क्रांति, और दूसरा कमर्शियल रेवोल्यूशन, इसका मतलब है, कमर्शियल का मतलब है व्यापारिक क्रांति। तो ब्रिटेन में कृषि से संबंधित क्रांति भी हुई, व्यापारिक क्रांति भी हुई, और औद्योगिक क्रांति भी हुई, तो कई सारी क्रांतियां ब्रिटेन में हुई। तो व्यापारिक क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ, 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर व्यापार अमेरिका और एशिया के कॉन्टिनेंट से बहुत अधिक बढ़ गया, इसी को कमर्शियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, व्यापारिक क्रांति। तो इसमें व्यापार अत्यधिक बढ़ गया अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है और एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, इसलिए ब्रिटेन को खूब सारा मार्केट मिल गया अपने बनाए हुए सामान को बाहर बेचने के लिए, बाजार अवेलेबल हो गया ब्रिटेन को। इसी कारण हम देखते हैं कि ब्रिटेन की वस्तुओं की डिमांड विश्व भर में धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो इसी कारण मशीन्स का उपयोग होने लग गया ब्रिटेन में, क्योंकि जब डिमांड अधिक बढ़ेगी तो कोशिश रहेगी जो मशीनों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक संख्या में वस्तुओं का उत्पादन हो उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए, उस मांग की पूर्ति करने के लिए, और मशीनों का उपयोग होना ब्रिटेन में शुरू हो गया, क्योंकि मांग बढ़ गई ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं दुनिया भर में, तो मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया अधिक से अधिक संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। फिर अगला कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या है, पूंजी का संग्रह। ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का संग्रह, खूब सारी धन दौलत ब्रिटेन के पास आ गई थी। क्यों ब्रिटेन के पास खूब सारी धन दौलत आ गई थी, क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया था, जैसे भारत, भारत में जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात थे या जो भारत की जो भी अच्छी चीजें थी उसको इंग्लैंड ने अपनी राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारत से लेके ब्रिटेन में लेके चला गया। तो दुनिया भर में जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी वहां से पूंजी लेकर उन्होंने ब्रिटेन में उन पूंजी को संग्रह कर लिया, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन, खूब सारा पैसा आ गया ब्रिटेन के पास। अब उस पैसे को कहाँ लगाया, अब पैसा क्यों आया था, एक तो कॉलोनाइजेशन के कारण आया था। कॉलोनाइजेशन का मतलब यह है कि जो ब्रिटेन ने जो अपनी कॉलोनी बनाई थी, जो उपनिवेश बनाए थे एशिया के अंदर, अमेरिका में और दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट में। फिर दूसरा कारण ये मर्केंटलिज्म सक्सेस, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। मर्केंटलिज्म एक प्रकार की अवधारणा है, फिलोसफी है। मर्केंटलिज्म है, इसको हिंदी में कहते हैं वणिकवाद, वणिक
देखो वणिक वाद के अंतर्गत क्या होता है, ब्रिटेन में यह अवधारणा बहुत अधिक मजबूत रही। वणिकवाद के अंतर्गत कोई भी राष्ट्र चाहेगा कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चले और व्यापार के अंदर भी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम हो, यानी सभी देश इस कोशिश में लगे रहे कि इस अवधारणा के अंतर्गत उनका देश अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करे। जब निर्यात ज्यादा होगा तभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उस राष्ट्र के पक्ष में रहेगा, नहीं तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। जैसे अगर अपन भारत और चीन के संबंध के बारे में बात करें तो भारत बहुत कम चीजें चाइना को एक्सपोर्ट करता है लेकिन खूब सारी चीजें आयात करता है चाइना से इंपोर्ट, तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है चीन के साथ भारत के व्यापार में। उसी प्रकार से वणिकवाद के अंतर्गत ब्रिटेन की पूरी कोशिश रही कि उनके अधिक से अधिक निर्यात और दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट कम से कम हो। और इस व्यापार में भी ब्रिटेन की कोशिश रही कि दुनिया का जितना भी सोना है, यानी ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुएं भारत को दो, भारत से सोना चांदी ब्रिटेन में लाके रख लो। तो एक कोशिश थी वणिकवाद के माध्यम से, एक तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाना, दूसरा दुनिया में जितना भी सोना है उसको ब्रिटेन में लेके आ जाए, सोना चांदी जितना भी है जो बहुमूल्य है जो मेटल है उसको ब्रिटेन में लाके रख लें। तो इन दो उद्देश्यों के तहत वणिकवाद की जो अवधारणा है वो काफी अधिक ब्रिटेन में मजबूत हुई। लेकिन वणिकवाद के कारण अपन देखते हैं कि व्यापार में बहुत अधिक प्रगति हुई और व्यापार में प्रगति होने के कारण पूंजी का संग्रह हो गया ब्रिटेन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि क्यों औद्योगिकरण ब्रिटेन में पहले हुआ, क्योंकि खूब सारी पूंजी थी, पूंजी को कहाँ लगाएंगे, पूंजी को धीरे धीरे उद्योग धंधे में लगाएंगे, पूंजी को साइंटिफिक इन्वेंशन के अंदर लगाएंगे, पूंजी को पूंजी है उसको नई नई मशीनों को विकसित करने में लगाएंगे। पहले कम से कम पूंजी तो, बिना पूंजी को उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जा सकते, लेकिन ब्रिटेन में उस समय में काफी अधिक मात्रा में पूंजी संगठित हो गई थी। फिर ब्रिटेन में उस समय में कोल और आयरन की खान ढूंढी गई, कोयला और लोहे की खान ढूंढी गई, खासकर नॉर्थ वेस्ट ब्रिटेन में। उत्तर पश्चिम ब्रिटेन के अंदर खूब सारे कोयले और आयरन की खान ढूंढी गई जिसने व्यापार और उद्योगों में अत्यधिक बड़ी भूमिका निभाई। फिर अपन बात करते हैं सी एक्सेस, अगला कारण यह है आर्थिक कारण के अंतर्गत। जो ब्रिटेन की नेवी थी बहुत अधिक शक्तिशाली और मजबूत थी, दुनिया में सबसे ताकतवर नेवी उस समय में केवल ब्रिटेन की हुआ करती थी, जर्मनी भी पीछे था, फ्रांस भी पीछे था। तो पूरा का पूरा जो समुद्रिक जो एरिया है, जो समुद्र का जितना क्षेत्रफल है वो ब्रिटेन के कब्जे के अंदर आ गया, क्योंकि वहां पे उनकी नेवी गश्त कर सकती थी। और जब सी के ऊपर जब इम्पोर्टेंट जो लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो समुद्री मार्ग है महत्वपूर्ण दुनिया में, वहां पे अगर नेवी ब्रिटेन की पहुंच जाए तो व्यापार के लिए उनको उनके जहाजों को निकालना भी आसान हो जाएगा। जब समुद्र पे एक तरीके से ब्रिटेन की पकड़ हो जाएगी तो व्यापार करना भी समुद्र के माध्यम से काफी आसान हो जाएगा। फिर इसके बारे में बात करते हैं आर्थिक कारणों में क्यों ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण हुआ। मशीन्स वर इन्वेंटेड, खूब सारी मशीनों को इन्वेंट किया गया, मशीनों को तैयार किया गया, मशीनों को बनाया गया। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है जॉन के, JOHN, जॉन के ने क्या ढूंढा, फ्लाइंग शटल। इसको हिंदी के अंदर भी फ्लाइंग शटल ही कहेंगे। फ्लाइंग शटल क्या है, एक प्रकार की तीव्र गति से कपड़ा बनाने की मशीन है, फ्लाइंग शटल जिसको कहा जाता है। JOHN आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एग्जाम में किस प्रकार की मशीनों को ईजाद किया गया ब्रिटेन में। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का निर्माण किया, इस मशीन को बनाया। फिर 1764 में स्प्रिंग जेनी एक मशीन का नाम है, स्प्रिंग जेनी, इनके हिंदी में भी वही नाम होंगे, स्प्रिंग जेनी, जिसको याद किया था जेम्स हरग्रीव्स, JAMES HARGREEVS, जेम्स हरग्रीव नामक व्यक्ति ने स्प्रिंग जेनी नामक मशीन का ईजाद किया। फिर आपको सबको पता है स्टीम इंजन, भाप के इंजन, जिसका इस्तेमाल सर्वप्रथम ब्रिटेन में शुरू हुआ, जेम्स वाट, इसके बारे में आपको जरूर पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का निर्माण किया। फिर पावर लूम का भी इस्तेमाल किया गया। पावर लूम क्या है, एक तो हाथ से अपन कपड़ा बनाते हैं, फिर मशीनों के माध्यम से, स्टीम की मशीनों के माध्यम से कपड़ा बनाना काफी अधिक आसान हो जाता है। पावर लूम को ईजाद किया गया एडवर्ड कार्ट राइट, Edward Cart Wright, तो इस व्यक्ति ने पावर लूम को ईजाद किया। फिर अपन देखते हैं 1814 में लोकोमोटिव क्या होता है, जिसके तहत ट्रेन चलाई जाती है, लोकोमोटिव, तो ट्रेन और उसके डब्बे तैयार किए गए जेम्स स्टीफनसन के द्वारा।
जेम्स स्टीफनसन, STHEPENSON। या आप कोई भी किताब पढ़ोगे सारे नाम आपको उसमें आसानी से मिल जाएंगे। लोकोमोटिव इंडस्ट्री की स्थापना भी जेम्स स्टीफनसन के द्वारा। तो ये सारे के सारे इजाद या सारे के सारे इन्वेंशन पहली बार हुए थे दुनिया के अंदर, और इतनी सारी इन्वेंशन ब्रिटेन में हो चुके थे। तो इन सभी इन्वेंशन ने, इन सभी खोजों ने पुश किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना अहम योगदान दिया ब्रिटेन में। फिर अपन इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कौन कौन से थे, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण कौन कौन से थे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में। देखो इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में। ग्लोरियस का मतलब है बहुत ही महान, एक महान क्रांति हुई थी ब्रिटेन में 1688 में। तो उसके तहत क्या किया गया, जो राजा था, जो ब्रिटेन का या महारानी या वहां का राजा हुआ करता था, उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। बाकी जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है उनको अधिक शक्तियां दी गई, यानी राजा की शक्तियां कम हो गई और जो बाकी मंत्रीगण है या जो चुन के आ रहे हैं प्रतिनिधि उनकी शक्तियों को बढ़ाया गया। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद। तो संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत जैसे हमें मोनार्की शब्द का इस्तेमाल करके, यानी राजतंत्र। अब राजतंत्र के अंतर्गत वहां पे राजा रहेगा लेकिन साथ में संविधान भी होगा, तो राजा को संविधान के अंतर्गत लिखे हुए नियमों के आधार पर प्रशासन चलाना पड़ेगा। और कई सारे कानून बनाए गए ग्लोरियस रेवोल्यूशन के पश्चात व्यापार को सुगमता से चलाने के लिए। लैंड मार्केट, जो भूमि का बाजार था, उससे संबंधित कई सारे कानून बनाए गए। एनक्लोजर मूवमेंट भी हुआ था, एनक्लोजर मूवमेंट, इसको अपन एनक्लोजर मूवमेंट ही कहेंगे हिंदी में। एनक्लोजर मूवमेंट के यहाँ पे क्या मतलब है, जो छोटी छोटी कृषि की भूमि थी उनको बड़े बड़े कृषि की जो भूमि है उसमें तब्दील कर दिया गया। स्मॉल लैंड्स वर कन्वर्टेड इनटू बिग फार्म्स। तो छोटी छोटी जो कृषि की भूमि होती है जिनकी इतनी उपयोगिता नहीं होती, जिसमें बड़े लेवल में प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, उनको मिलाकर बड़ी भूभागों में, बड़ी जमीनों में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना बड़े स्तर पर आसान हो गया। इसको लैंड कंसोलिडेशन भी कहते हैं। भूमि संगठन का कार्य भी यहाँ पे किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो भारत में भी हुई थी, भूमि सुधार आंदोलन जिसको कहते हैं। देखो कितना पहले ही ब्रिटेन के ना भूमि सुधार आंदोलन हो गए, 1688 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में भूमि सुधार आंदोलन हो गए, और इसी कारण एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ सका। तो जो नियमों में बदलाव किया गया कृषि से संबंधित, जमीन से संबंधित, इसी कारण ब्रिटेन में कृषि की जो क्रांति है उसका, कृषि की क्रांति का आना संभव हो सका। और इसी ने आधार प्रोवाइड किया, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था इसी ने ही औद्योगिक क्रांति के लिए आधार प्रोवाइड किया। फिर अपन बात करते हैं अगला कारण कौन सा, फ्री एटमोस्फियर, उदारवादी वातावरण था ब्रिटेन का। उदारवादी वातावरण का यहाँ पे क्या मतलब है, लोगों को अधिकार अधिक दे रखे थे, प्रेस को अधिक अधिकार थे। देखो राइट्स के बारे में लिख रखा है, प्रेस, प्रेस का मतलब है जो अखबार हो गए, जो जनता के पास सूचना पहुंचाने का जो माध्यम है, साधन है, अखबार, जर्नल्स, बुक्स, इन सबको काफी अधिक आजादी मिली, प्रेस की आजादी हो गई और खूब सारी राइटिंग्स लिखी गई। एक तरह का इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी हुआ, बौद्धिक क्रांति में भी लोगों ने काफी अधिक किताबें लिखी, पैम्फलेट छपवाए। तो कहने का मतलब है उदारवादी वातावरण था ब्रिटेन का, जो भी चाहे वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता था। इसी कारण हम देखते हैं जब अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है किसी देश में, तभी वहां पे इनोवेशंस होते हैं, तभी लोग वहां के ज्यादा हार्डवर्किंग बनते हैं। इनोवेशंस का क्या मतलब है, नवाचार होते हैं उस देश में जब उदारवादी एटमोस्फेयर होता है। अगर कहीं पे तानाशाही का रूल चल रहा है, कहीं पे तानाशाही है, तो वहां पे इतने अधिक नवाचार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोगों को फ्रीडम ही नहीं है अपनी बात को एक्सप्रेस करने की। फिर अपन बात करते हैं, एक से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है और अच्छा पॉइंट लिख रखा है कि जो ब्रिटेन में शहर थे वहां पे बहुत कम किसी ने आक्रमण किया है, क्योंकि ब्रिटेन सुरक्षित था, ब्रिटेन के चारों तरफ समुद्र था, तो ब्रिटेन में आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। नेपोलियन भी ब्रिटेन में आक्रमण नहीं कर पाया, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज रही ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन में कोई आक्रमण नहीं कर पाया। और जितने भी युद्ध थे यूरोप के, वो सारे के सारे कॉन्टिनेंटल यूरोप में लड़े गए, यानी जो यूरोपीय महाद्वीप है वहां पे सारे के सारे युद्ध लड़े गए, ब्रिटेन में हार्डली कोई युद्ध हुआ है। तो इसका फायदा भी ब्रिटेन को मिला, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ ब्रिटेन के अंदर, यानी ब्रिटेन में तोड़फोड़ नहीं हुई, ब्रिटेन के अंदर जो वस्तुएं उनकी क्षति नहीं हुई, इसी कारण रिलेटिवली शांति रही ब्रिटेन में। सो देयर वाज अ पीसफुल टाइम इन ब्रिटेन।
कोई फॉरेन इंटरफेरेंस ब्रिटेन में डायरेक्ट इतना नहीं रह पाया क्योंकि वहां पे अटैक करने मुश्किल था। फिर अपन आगे बात करते हैं, अगला कारण है कॉलोनियल एम्पायर, जो औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया था ब्रिटेन में, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण भी ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो सका। जितने भी उपनिवेश थे वहां से पूंजी हो गई या वहां के संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटेन ने अपने खुद के प्रयोग के लिए किया। फिर अपन बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इसके कारण भी हम देखते हैं कि औद्योगिकरण को पुश मिला ब्रिटेन में। कैसे? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो पूरे यूरोप में इंस्टेबिलिटी आ गई। इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक टेम्परेरी व्यवस्था वहां पे बनाई गई, यानी परमानेंसी नहीं रही। इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं है, कोई भी व्यवस्था कभी भी टूट सकती है, इंस्टेबिलिटी। तो इसी कारण हम देखते हैं जब यूरोप के इंस्टेबिलिटी आ गई तो ब्रिटेन को यूरोप के मार्केट के लिए उत्पादन करने का मौका मिल गया, तो ब्रिटेन के व्यापार में भी वृद्धि हुई। जब व्यापार में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर उद्योग धंधे वो भी अत्यधिक विकसित होंगे। फिर जब युद्ध के अंदर में ब्रिटेन शामिल रहा, और जब ब्रिटेन युद्ध के अंदर शामिल रहा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। जब युद्ध होता है तो किसी भी देश को अपने देश में डिफेंस से संबंधित प्रोडक्शन हो गया, अन्य प्रोडक्शन हो गया, अन्य उत्पादन हो गया, उनको तेजी से बढ़ाना पड़ता है। तो युद्धों के कारण भी ब्रिटेन में उत्पादन अत्यधिक बढ़ा, जिसके कारण औद्योगिकरण आगे बढ़ा। फिर अपन बात करते हैं सामाजिक कारण कौन से, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तो बहुत अच्छा इसमें पॉइंट लिख रखा है, रिस्क टेकिंग एंट्रप्रेन्योरियल क्लास। इसका मतलब क्या है? जो व्यापारिक कम्युनिटी थी, जो व्यापारिक कम्युनिटी के सदस्य थे ब्रिटेन में, उनकी एक हैबिट थी रिस्क टेकिंग, वो रिस्क लेते थे। रिस्क का क्या मतलब है? वो परवाह नहीं करते थे कि उनका जो बिजनेस है वो सही होगा या नहीं होगा, लेकिन वो रिस्क लिया करते थे। जब कोई व्यक्ति रिस्क लेगा तभी तो उसका बिजनेस कामयाब होने की संभावना बनेगी, जब किसी ने रिस्क ही नहीं लिया तो उसका बिजनेस तो शुरुआत ही नहीं होगी उसके बिजनेस की। तो उनकी हैबिट थी ब्रिटेन के अंदर, जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास थी, जो बिजनेस क्लास थी, जो व्यापारिक वर्ग था, वो रिस्क लिया करता था। तो ये एक हैबिट है, सोशल हैबिट है जो ब्रिटेन में फॉर्म हुई। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं सामाजिक कारणों में इन्वेंशन, जो नई नई खोजें हुई, नई नई इजादें हुई, नई नई चीजों को इजाद किया गया, उनका संबंध डे टू डे लाइफ से था। यानी उन वस्तुओं का उत्पादन किया गया, उन मशीनों का उत्पादन किया गया जिससे दैनिक दिनचर्या, यानी जो दैनिक जीवन है वो आसान हो जाए, जिनकी इमीडिएट एप्लीकेशन थी, उन वस्तुओं का उत्पादन किया गया। इमीडिएट एप्लीकेशन का क्या मतलब है? कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, तुरंत ही उसकी मार्केटिंग हो जाए, लोग उसको खरीदने लग जाए, लोग उसको कंज्यूम करने लग जाए। तो इमीडिएट एप्लीकेशन की चीजों का उत्पादन किया गया, डे टू डे यूज की जो चीजें हैं उनका यहाँ पे उत्पादन किया गया। जैसे स्प्रिंग जेनी, जिसके बारे में अपन ने बात की थी, स्प्रिंग जेनी एक प्रकार की मशीन थी जिससे कपड़ों का उत्पादन करना काफी आसान हो गया। तो स्प्रिंग जेनी जब मशीन मार्केट में आई, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, तो जो बुनकर लोग थे ब्रिटेन में, उनको सोशल एक्सेप्टेंस आसानी से मिल गया, उनकी सामाजिक कद में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, वो स्प्रिंग जेनी मशीन के माध्यम से खूब सारे कपड़े का उत्पादन कर सके, आसानी से कपड़ों का उत्पादन बड़े स्तर पे कर सके। तो उनको समाज में सोशल एक्सेप्टेंस मिला बुनकरों को। जैसे भारत में बुनकरों की कंडीशन हमेशा खराब रही है, अगर बड़ी बड़ी मशीनें बुनकरों को दे दी जाती व्यापार करने के लिए या फिर कपड़ों को बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी उनकी कंडीशन जरूर अच्छी रहती। तो वीवर्स को सोशल एक्सेप्टेंस मिला, समाज में इनका दर्जा ऊंचा हो गया बुनकरों का। और टेक्सटाइल, वुलन, ऊन के कपड़े हो गए, सूती कपड़े हो गए, इनकी बड़ी संख्या में उत्पादन किया गया। फिर अपन आगे बात करते हैं सोशियो कल्चरल रीजन में, अगला पॉइंट है पॉपुलेशन। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जनसंख्या भी बहुत अधिक बढ़ी, और जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो समाज में डिमांड, मांग अधिक बढ़ेगी। लोग ज्यादा होंगे तो वस्तुओं की अधिक मांग करेंगे और उनका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, इस कारण भी औद्योगिकरण को पुश मिला। फिर अपन आगे बात करते हैं धार्मिक कारण के बारे में, ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ है उसके धार्मिक कारण कौन से हैं। तो इंग्लैंड वॉज अ प्रोटेस्टेंट नेशन, जैसे मैंने पहले बताया था, जो क्रिश्चियनिटी है उसके दो भाग है, एक है कैथोलिक रिलीजन जो मेजोरिटी में है। मेजोरिटी का क्या मतलब है? जो बहुत बड़ी संख्या में हो, सीमित संख्या में, प्रोटेस्टेंट, PROTESTENT, इसको हिंदी में भी प्रोटेस्टेंट ही अपन को लिखना पड़ेगा। तो ब्रिटेन एक प्रोटेस्टेंट नेशन था, और प्रोटेस्टेंट धर्म वाले क्या मानते हैं? आइडिया ऑफ डेस्टिनी, वो नियति में यकीन करते हैं,
आइडिया ऑफ डेस्टिनी में यकीन करते हैं और क्या यकीन करते हैं, साथ में ब्लेस्ड वंस कैन गेट सक्सेस, यानी जिन व्यक्तियों पे भगवान का आशीर्वाद है उनको जरूरी कामयाबी मिलेगी। तो जब भगवान में आस्था रखते हैं तो लोग हार्डवर्किंग भी हो जाते हैं कि भगवान हमारा जरूर साथ देगा, हम अच्छे से अच्छे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो धर्म का पार्ट है, तो धर्म ने भी एक सहायक भूमिका प्रदान की औद्योगिकरण के लिए, तो लोग ज्यादा हार्डवर्किंग बने। प्रोटेस्टेंट लोग हैं, काफी हार्डवर्किंग होते हैं, हार्डवर्क टू बी ब्लेस्ड। तो समाज में एक प्रकार का नॉर्म बना, नियम बना कि जो व्यक्ति अधिक मेहनत कर रहा है उसको भगवान का अधिक आशीर्वाद मिलेगा, ही विल बी ब्लेस्ड बाय द गॉड। फिर अपन बात करते हैं सिंप्लिसिटी। जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे बहुत साधारण थे, सिंपल थे, तो वो अननेसेसरी खर्चा नहीं करते थे, वो फिजूल खर्चे नहीं किया करते थे, इसलिए उनके पास सेविंग्स बहुत अधिक थी। सेविंग्स का मतलब आप जानते हो, उनके पास बचत बहुत अधिक थी, तो उसी का इस्तेमाल वो अपने बचत का इस्तेमाल ही वो बिजनेस में कर सके, व्यापार में कर सके, उद्योग धंधों में कर सके। तो ये जो ट्रेड है लोगों में कहां से आया, धर्म के कारण है, सिंपलिसिटी, लोग बहुत सिंपल है, वो अधिक खर्चा नहीं करते थे। एनकरेज लर्निंग। और फिर अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि धर्म ने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, क्योंकि बाइबल सबके लिए पढ़ना जरूरी था और बाइबल पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने शिक्षा अर्जित की। जब लोगों को पढ़ना लिखना आ गया तो उनके लिए बिजनेस में पार्टिसिपेट करना आसान हो जाएगा, उनके लिए उद्योग धंधे स्थापित करने आसान हो जाएंगे, पढ़ना लिखना एसेंशियल है सब जगह पे। ठीक है, तो इसके साथ अपन आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं कि ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण की क्यों शुरुआत हुई। कल अपन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे औद्योगिकरण के बारे में। आप अगर चाहें तो एक सवाल आप मेरे को लिख के उसका आंसर दे सकते हो कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कौन कौन से कारण है 200 वर्ड्स में। मैंने काफी ज्यादा पढ़ा है यहाँ पे, इन्हीं को शॉर्ट में करते हुए आप 200 वर्ड में अपना आंसर लिख के व्हाट्सएप में, हाथ से अपना आंसर कागज में लिख के व्हाट्सएप में आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसकी मार्किंग करके आपको दे दूंगा कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आने के क्या कारण है, क्यों ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, बाकी यूरोप में नहीं हो पाई, फ्रांस में नहीं हो पाई, जर्मनी में नहीं हो पाया, यूएसए में नहीं हो पाया, ब्रिटेन ने लीड ली इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।